हेलो एवरीवन, दिस प्रविदास फ्रॉम ट्यूटोमीटर और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो बेसिकली आपने पहले अगर मेरा कोई ट्यूटोरियल नहीं देखा है और ये आपका पहला ट्यूटोरियल है तो मेरे चैनल को जाकर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करके नोटिफिकेशन के लिए ऑन कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया ट्यूटोरियल या फिर कोई अच्छा सा ट्यूटोरियल, कुछ अच्छा सा नॉलेजेबल कुछ मैं यूट्यूब में डालूँ तो सीधा आपको वो नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, तो आते हैं बेसिकली आज का जो टॉपिक मैंने लिया है वो है बेसिकली मैंने लिया है कलर के बारे में ही कुछ और जानकारियाँ जो होनी चाहिए। हालांकि मैंने कलर थ्योरी पे पहले भी बनाया है बट बेसिकली उसमें हुआ ये था कि कलर स्कीम्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, कलर की जो टेक्निकल चीज़ें होती हैं उसको थोड़ा सा जानना और ज़रूरी है तो मुझे लगा कि हाँ ये भी बताना ज़रूरी है हम मेरे ऑडियंस को, तो फिर मैंने ये ट्यूटोरियल बनाया। तो बेसिकली सबसे पहले हम लोग आते हैं यूज़ पे, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं HUE। तो सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ कि यू क्या है। मैं यहाँ पे कलर पैलेट पे क्लिक करता हूँ तो सबसे पहले आपको यहाँ पे मिलेगा यू, ठीक है। तो ये जो सात कलर आपको दिख रहे हैं ना, इसको हम लोग बोलते हैं यूज़, HUE यूज़, मतलब जो मेन सात कलर होते हैं जो हमारे वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं, है ना। सात कलर का बेसिकली जो हम लोग हमेशा दर्शाते हैं वो होता है विबग्योर, VIBGYOR, है ना, विबग्योर। वी फॉर वायलेट, आई फॉर इंडिगो, बी फॉर ब्लू, जी फॉर ग्रीन, वाई फॉर येलो, ओ फॉर ऑरेंज एंड आर फॉर रेड, है ना। तो ये जो है ये ऐसे ही है, विबग्योर जो है इसमें आपको दिखेगा वी फॉर वायलेट, आई फॉर इंडिगो, ठीक है। उसके नीचे आऊँगा तो ब्लू, उसके नीचे है ग्रीन, इंडिगो आई थिंक ये है, इंडिगो शायद तक ये है ग्रीन, उसके बाद है ऑरेंज यानी ये, एंड लास्ट वाला जो है वो है रेड, है ना। तो ये जो है ये मेरे यू की लाइन्स है और यहाँ पे जो आपको दिख रहा है इसमें आपको किसी भी यू का जो भी आप सिलेक्ट करोगे उस यू का टिंट, टोन और शेड्स मिलते हैं, ठीक है। अब बेसिकली टिंट, टोन और शेड्स क्या होते हैं, है ना। तो यहाँ पर अगर मैं सबसे पहले क्लिक करूँगा कि मेरे एकदम ऊपर में है तो ये जो है ये मेरे एकदम यू कलर यानी रेड, प्योर रेड कलर, है ना। अच्छा, अब बात ये है कि हम लोगों को ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि दुनिया में कोई भी कलर जो है वो प्योर फॉर्म में नहीं मिलता है, है ना। दुनिया का कोई भी कलर हो, आप भले गुलाब का ले लो, खून का ले लो, किसी का भी कलर ले लो, रेड भी जो है वो प्योर रेड आपको नहीं मिलेगा जो डिजिटली आप देखते हो, ठीक है। जो प्योर मतलब प्रॉपर वैल्यू है रेड की वो आपको कहीं नहीं मिलेगा, आपको या तो उसमें थोड़ा सा टिंट मिलेगा या तो थोड़ा टोन मिलेगा तो शेड्स मिलेगा, है ना। अब टिंट, टोन, शेड्स क्या होते हैं। टिंट का मतलब है जब भी मैं किसी यू कलर में वाइट ऐड करूँगा, है ना। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे वाइट ऐड होने होते 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 यहाँ पे सॉरी फॉर दैट तो हाँ, तो वाइट जैसे ऐड करते जाएंगे तो धीरे 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 कलर आप यहाँ पे देखेंगे कि वो धीरे धीरे ब्राइट होते 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 एक टाइम आएगा जब वो वाइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है इस लाइन पे जब भी मैं जाऊँगा तो इसको हम लोग बोलेंगे टिंट रेड का, ठीक है। सेम इसको अगर मैं नीचे लेके आऊँ यानी इस साइड, तो ये होगा शेड, यानी देखो जो रेड है उसमें मैं ब्लैक ऐड करते जा रहा हूँ धीरे 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 और ये आखिर तक आते आते पूरे का पूरा डार्क रेड होते होते ये पूरा ब्लैक हो जाएगा, है ना। तो दैट्स कॉल्ड शेड्स। एंड टोन जो है, टोन का मतलब है जब मैं वाइट और ब्लैक दोनों एक साथ ऐड करूँगा, यानी मैं उसमें ग्रे ऐड करूँगा एक तरह समझ लीजिए। तो ग्रे ऐड करेंगे तो मेरे को टेढ़ा आना है और देखिए ग्रे आते आते एक टाइम ऐसा आएगा जब ये डिसेचुरेट होते 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 एक टाइम आके वो पूरी तरह डिसेचुरेट होकर ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। तो ब्लैक तो नहीं है ये, एक्चुअली ब्लैक से थोड़ा सा ऊपर आएगा ऐसे रख के, ये समझ लीजिए, ठीक है। तो ये जो है ये तीन चीज़ें हमको समझना बहुत ज़रूरी है। कोई भी कलर हो, आप जैसे ब्लू का बोलेगा कि टोन चाहिए तो ब्लू का जो टोन होगा वो आएगा इस साइड, ब्लू का जो टिंट आएगा वो आएगा इस साइड, और जब इसमें शेड्स बोलेंगे तो आएगा इस साइड, ठीक है। तो ये कोई भी कलर का हो सकता है, जो भी कलर आपको चूज़ करना है वो कोई भी कलर में हो सकता है। तो ये कलर पैलेट इसी में इतना नॉलेज आपको गेन हो जाएगा कि आपको पूरा समझ में आ जाएगा एग्जैक्टली कलर्स कैसे वर्कआउट करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये तो हो गया मेरा यू, ये हो गया मेरे टिंट टोन एंड शेड्स। एंड नेक्स्ट मैं आता हूँ ये वाले फील्ड पे। तो बेसिकली यहाँ पे कुछ कुछ कलर मोड्स हैं। यहाँ पे देखिए जैसे कि यू है, एच मतलब यू है, एस का मतलब है सैचुरेशन। यहाँ पे वैल्यू दी हुई है जैसे कि यू का वैल्यू कितना है, यहाँ पे 0 डिग्री है। तो ये एक्चुअली स्टेप से ये बताता है ये 0 है, ये बढ़ते 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 लास्ट तक आता है और अपने हिसाब से ये डिग्री बताता है यानी कि डिग्री कितना है यू का, ठीक है, उस कलर में। और यहाँ पे सैचुरेशन कितना है उसका। अब जैसे सैचुरेशन में देखो 86% सैचुरेशन है, अगर इसको ऐसा करूँगा तो देखिए धीरे धीरे ये सैचुरेशन जो है वो धीरे धीरे कम होते होते 0 में आ गया, ठीक है। सेम नीचे वाला जो लाइन है ये है बी फॉर ब्राइटनेस। तो ब्राइटनेस का मतलब है जैसे मैं बढ़ाऊँगा ब्राइटनेस 100 होता जाएगा, सैचुरेशन कम होता जाएगा और ब्राइटनेस 100 हो गया ना, वही मैं ब्लैक में लेके आऊँगा तो जो ब्राइटनेस है वो 0 हो गया, सैचुरेशन भी ऑलमोस्ट 0 ही हो जाता है, ठीक है।
ओके नेक्स्ट आता हूँ मैं, ये है आर यानी रेड। तो अगर मैं इसमें क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे अभी जैसे, क्योंकि मैं यू में ऊपर नीचे कर रहा हूँ तो यू में ऐसा दिखा रहा है, जैसे मैं सेचुरेशन में क्लिक करूँगा अभी सेचुरेशन में आ गया। ठीक है, ये लिस्ट सेचुरेटेड इमेज के लिए, ये मोस्ट सेचुरेटेड इमेज के लिए। सेम ब्राइटनेस में आऊँगा तो ये मोस्ट ब्राइटनेस ब्राइट इमेज के लिए, और नीचे जाते जाऊँगा तो ये मोस्ट डार्क इमेज के लिए, है ना। तो बेसिकली हम लोग इसको यूज़ नहीं करते कोई भी, हम सिर्फ यू यूज़ करते हैं ताकि बेटर हमको एक बार में सारी चीज़ें मिल जाए। नेक्स्ट है रेड में आऊँगा तो आर जी बी। ठीक है, रेड के जो भी टोन टिंट है वो सारे से आपको यहाँ पर दिखेगा। अच्छा, ये जो यहाँ पे वैल्यू देखेंगे आप 255 00, बेसिकली क्या होता है कि जो भी वैल्यूज़ नापी जाती है, अगर हम लोग किसी आरजीबी इमेज पे वर्क कर रहे हैं, आरजीबी का मतलब है कि रेड ग्रीन ब्लू, और कोई भी इमेज हो दुनिया का, हम भले ही उसको मोबाइल से क्लिक करें या फिर फोटो से कैमरा से क्लिक करें, डीएसएलआर से क्लिक करें, डिजिटल कैमरा से क्लिक करें, सब आरजीबी में ही जो है कैप्चर होता है ना। तो आरजीबी हर एक पिक्सल का जो होता है, पिक्सल के जो कलर्स है उसको 255 255 में बांटा गया है। 0 to 255 रेड का टिंट टिंट शोड होगा, शेड्स होगा। सेम ग्रीन का 0 to 255 एंड ब्लू का भी 0 to 255, है ना। 255 हाईएस्ट वैल्यू है। 0 00 00 करूँगा तो मतलब फुल ब्लैक, ठीक है, कोई कलर नहीं है। और उसको 255 करूँगा तीनों को तो आप देखेंगे कि फाइनल मेरे को जो कलर मिल रहा है वो वाइट है ना। तो 0 का मतलब ब्लैक एंड 255 का मतलब हाईएस्ट कलर, है ना, मतलब वाइट। तो आता हूँ मैं नेक्स्ट लैब कलर, सी एम वाई के कलर से। इसका सी एम वाई के का बेसिकली यूज़ होता है जब हम लोग प्रिंट मीडिया में जाते हैं, लैब का यूज़ होता है जब हम लोग टीवी या फिर सैटेलाइट मोड पे जाते हैं। बट क्योंकि हम लोगों को अपने काम के लिए चाहिए तो यू काफ़ी है उस चीज़ के लिए, यू में हम लोग सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाती है। कलर्स ऑलमोस्ट सिलेक्ट करने का तरीका वही होता है, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है ना। अब एक बार मैं लेयर के बारे में थोड़ा सा आप लोग को इसमें करके दिखा देता हूँ कि लेयर में किस तरह से ये वर्कआउट करता है। सबसे पहले मैं न्यू डॉक्यूमेंट लूँगा, कंट्रोल एन, और यहाँ जाके मैं कोई भी साइज़ का, जो भी आपको साइज़ चाहिए आप उस साइज़ का ले सकते हैं, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कोई साइज़ का, क्योंकि अभी मैं सिर्फ आपको एक दो एक्सपेरिमेंट्स करके दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से ब्लेंडिंग मोड जो है वो काम करते हैं कलर्स के साथ, और कलर का क्या रिएक्शन होता है ब्लेंडिंग मोड्स पे, है ना। तो मैं एक नया लेयर ले लेता हूँ यहाँ पर। ले लेने के बाद यहाँ पे जाता हूँ मैं, सिलेक्ट कर लेता हूँ इलिप्टिकल टूल्स, ठीक है, और इसमें मैं डालता हूँ प्योर रेड, यानी प्योर रेड, है ना। 255 00 रेड में 255 है, इसका मतलब कि पूरा कलर का जो है रेड का जो कलर है वो पूरी तरह है, और ग्रीन और ये ब्लू जो है 00, इसका मतलब इसका कोई भी अंश जो है इस कलर में नहीं है ना। तो ये प्योर रेड हो गया। ओके करता हूँ एंड इसको मैं फिल कर देता हूँ ऑल डिलीट से, तो ये फिल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट मैं और एक लेयर लेता हूँ नया वाला, और इसको भी मैं शिफ्ट दबा के ड्रैग करके बना लेता हूँ गोला, और इसमें मैं फिलअप कर देता हूँ ब्लू, यानी फुल ब्लू। अब देखिए प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि ये तो रेड था बोल के मेरे को समझ में आ गया एक बार मैं ऊपर ले लें, पर ब्लू में देखिए बहुत सारा अलग अलग टिंट टोन शेड्स है ना। तो इसको अपन कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे आपको सिंपल जाना है, क्योंकि रेड और ग्रीन मेरे को 00 चाहिए तो 00 कर लिया, एंड ब्लू जो है 255 to 255 एज इट इज़ यहाँ पर दिखा दे रहा है ना। आप चाहे तो यहाँ से भी वैल्यू डाल के उसको कर सकते हैं। ओके कर लिया मैंने, तो यहाँ पे आ गया मेरा आरजीबी, सॉरी रेड एंड ब्लू। एंड नेक्स्ट जो है मैं और एक लेयर लेता हूँ, और जिसको हम लोग कलर करेंगे ग्रीन, ठीक है। तो नीचे दोनों को ऑफ कर लेता हूँ मैं, ऊपर वाले को कर लेता हूँ ग्रीन। तो सेम ग्रीन में 255 और इसमें 0, ठीक है, तो प्योर ग्रीन आ गया, और अब मैंने इसको पुट अप कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि तीनों लेयर एक दूसरे को ओवरलैप है, तो मैं सिलेक्शन टूल से तीनों को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करवा देता हूँ, ताकि मैं आपको जो समझाना चाहता हूँ वो मैं बेटर तरीके से समझा सकूँ आपको, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक ब्लेंडिंग मोड है जिसको हम लोग यूज़ करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं बैकग्राउंड को ब्लैक कर देता हूँ, क्योंकि अगर मैं ब्लेंडिंग मोड यूज़ करूँगा और बैकग्राउंड में अगर ब्लैक नहीं रहेगा तो मेरे को ये अजीब सा दिखेगा, यानी पूरा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। तो उससे बेटर क्या है कि मैं बैकग्राउंड में एक तो ब्लैक कलर फिलअप कर देता हूँ, ऑल डिलीट, पूरा ब्लैक कलर आ गया, है ना। अब मैं जाता हूँ ऊपर के तीनों लेयर को पकड़ता हूँ और इसको ब्लेंडिंग मोड को चेंज कर देता हूँ नॉर्मल से स्क्रीन, है ना। अब आप देखेंगे इसमें कि कलर्स जो है कलर्स चेंज हो गए हैं, और यहाँ पे कुछ कुछ कलर एक्स्ट्रा भी आ गए, है ना। तो ये जो कलर्स है आरजीबी, इनको हम लोग कहते हैं प्राइमरी कलर्स हमारी लैंग्वेजेस में। तो प्राइमरी कलर्स जब मिलते हैं, यानी जब ऐड होते हैं, तो वो हमको तीन एक्स्ट्रा कलर देते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी कलर, यानी सियान, येलो एंड मैजेंटा, ठीक है। अच्छा, अब ये तीनों जब एक साथ मिक्स होते हैं तो आता है कौन सा कलर, वाइट, ठीक है, और जब तीनों का अपसेंस होता है तो वहाँ पे होता है ब्लैक। तो ये बेसिकली एक फोटो में सब कुछ रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, हमारा ब्लेंडिंग मोड, हमारे प्राइमरी कलर्स, सेकेंडरी कलर्स एंड टर्शरी कलर्स,
तो अब इसको हम लोग थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट और एक चीज़ करके देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं जाता हूँ ब्रश टूल में और ऑल दबा के मैं सबसे पहले यहाँ का कलर पिक कर लेता हूँ। तो कलर पिक कर लेंगे जैसे, तो यहाँ पे देखिए येलो पिक हो गया। अब येलो का जाके वैल्यू देखते हैं हम लोग। येलो का वैल्यू देखिए कितना है, 255 255। इसका मतलब क्या हुआ कि रेड और ग्रीन जब दोनों मिले, यानी रेड का 255 00 प्लस ग्रीन का 255 0 255 0, इससे क्या हुआ दोनों का कलर वैल्यू ऐड हो गया और फाइनली हमको जो रिजल्ट मिला वो मिला 255 255 0, है ना। बेसिकली इसका जो फॉर्मूला होता है वो कैसा होता है, रेड के साथ जब भी कोई पिक्सल को ऐड करते हैं हम लोग, है ना, ऊपर का लेयर का पिक्सल और नीचे का लेयर का पिक्सल जब दोनों ऐड होता है तो क्या हमको मिलता है, आर के साथ मतलब रेड के साथ रेड ऐड होता है, ग्रीन के साथ ग्रीन ऐड होता है, ब्लू के साथ ब्लू ऐड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक छोटा सा मैं एक मैथमेटिकल आपको कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे आता हूँ पेंसिल टूल में, एक नया लेयर ले लेता हूँ मैं और इसका कलर मैं कर लेता हूँ वाइट, ठीक है। तो सॉरी आर जी बी, है ना। तो पहला कलर मेरा क्या था 255 00 यानी प्योर रेड, ठीक है। नेक्स्ट कलर क्या था 02 255 0, ठीक है। अब क्या हुआ तीनों जब ऐड हुआ तो ये ऐड हुआ कितना आ गया 255, ये दोनों ऐड हुआ कितना आ गया 255 और लास्ट वाला 0, ठीक है। तो ये जो कलर मेरे को रिजल्टेंट कलर मिला ये क्या मिला, येलो, यानी ये वाला कलर। अब मैं इसको फिर से आपको पिक करके दिखा देता हूँ, देखो रिजल्ट मेरे को क्या मिल रहा है 255 255 0 255 250, ठीक है। तो ये होते बेसिकली मैथमेटिक्स स्क्रीन मोड का, है ना। सेम चीज़ मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एकदम प्योर साइन है, यानी 0 255 250, है ना। इसमें क्या क्या था, यहाँ पे रेड की वैल्यू दोनों में से कुछ किसी के पास नहीं थी, इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें ग्रीन का और ब्लू का वैल्यू जो है वो ऐड हो गया। तो फाइनल आपको रिजल्ट क्या मिला 0 255 255, है ना। सेम इसको ये हो गया मैजेंटा, यानी इसमें क्या था 255 0 255, है ना। इन दोनों का ऐड हो गया और सिर्फ बीच वाला जो ग्रीन जो इसमें नहीं था तो वो आ गया, है ना। तो इसी से हमको क्या पता चलता है कि ग्रीन जो है उसका उल्टा क्या हो गया, मैजेंटा, ठीक है। ब्लू का उल्टा क्या हो गया, येलो, एंड रेड का उल्टा क्या हो गया, सियान, ठीक है। और तीनों को मिलाया तो ये मिला वाइट, यानी 255 255 255। तो ये एक छोटा सा बस नॉलेजेबल वीडियो है जो आपको बहुत ज़्यादा काम आ सकता है फ्यूचर में, जब भी आप कंपोजिटिंग करेंगे, जब भी हम लोग न्यूक करेंगे, फ्यूजन करेंगे, तो वहाँ पे ये स्क्रीन ब्लेंडिंग मोड हो गया, मल्टीप्लाई ब्लेंडिंग मोड हो गया, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। तो उस टाइम आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा समझने में कि कौन सा ब्लेंडिंग मोड को कैसे यूज़ करके हम लोग आउटपुट लेके आए। तो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा, आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताइए। और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। और अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट के ऊपर पूरे के पूरे पेड DVD ट्यूटोरियल्स चाहिए तो मुझे आप ईमेल कर सकते हैं, वहाँ पे आपको मैं डिटेल्स दे दूँगा। सो थैंक यू फॉर दिस टाइम, दिस प्रवीदास साइनिंग ऑफ।